नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स। इपॉक्सी रेजिन इज अ क्लास ऑफ क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोनोमर्स कंटेनिंग साइक्लिक ग्रुप्स कॉल्ड इपॉक्साइड। राइट, तो डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इपॉक्सी रेजिन पहली बात जो है ये एक पर्टिकुलर रेजिन नहीं है, ये क्लास है जिसमें जिसको अलग अलग मोनोमर से कंबाइन करके एक क्लास है। बहुत ज्यादा एक वेरिएबल रेंज है इपॉक्सी रेजिन की जो हम बना सकते हैं। राइट, और ये क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर, इनिशियली जो इपॉक्सी रेजिन बनते हैं वो क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर्स होते हैं, ना कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। राइट, ये डिफरेंस है थोड़ा सा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर्स में, कि इनिशियली जो हमें इपॉक्सी रेजिन अचीव होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड नहीं होते हैं, लेकिन जो हम यूटिलाइज करते हैं वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर को क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। राइट, और जब इनको बनाया जाता है इपॉक्सी रेजिन का, तो एक मोनोमर ग्रुप इनका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इपॉक्साइड ग्रुप होता ही होता है, जो कि इनको नाम देता है इपॉक्सी रेजिन्स। राइट, नाउ द इपॉक्सी रेजिन्स आर जनरली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द टू कंपोनेंट्स। दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके जो है इपॉक्सी रेजिन्स को बनाया जाता है। पहले कंपोनेंट वो जो इनके रहते हैं वो जनरली रहते हैं पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स। राइट, जैसे कि बिसफिनोल ए मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। बिसफिनोल ए की तरह और भी अलग अलग पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। उनके अलावा ऑल अदर मॉलिक्यूल्स विच मे हैव एक्टिव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लाइक अमीन्स, अल्कोहल, जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उनको एज कंपोनेंट वन ले सकते हैं। कंपोनेंट टू जो रहता है उस कंपोनेंट में एपी क्लोरो इपॉक्सी मॉलिक्यूल जो है उसका होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एपी क्लोरो हाइड्रिन को यहाँ पे हमने कंपोनेंट टू लिया हुआ है। राइट, तो बिस्फिनोल ए और एपी क्लोरो हाइड्रिन इनको जब पॉलीमराइज किया जाता है दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ इपॉक्सी रेजिन। नाउ इपॉक्सी रेजिन इज अ क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर, जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज अ क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर। फर्दर इसको क्रॉस लिंक में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्यूरिंग एक प्रोसेस है वो जो की जाती है। राइट, दिस इज अबाउट द इनिशियल इंट्रोडक्शन अबाउट द इपॉक्सी रेजिन। दीज आर कंप्लीटली सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड बिलोंग टू द क्लास ऑफ को पॉलीमर्स। को पॉलीमर्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो डिफरेंट मोनोमर्स इसमें यूज किया है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है इपॉक्सी रेजिन का, बिस्फिनोल ए और एपी क्लोरोहाइड्रिन, दो अलग अलग मोनोमर्स यहाँ पे यूटिलाइज जो है वो हुए हैं। तो बिस्फिनोल ए और एपी क्लोरोहाइड्रिन को मिलके जो इपॉक्सी रेजिन होता है, इसी को हम एज एन एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे कि इपॉक्सी रेजिन को सिंथेसाइज किस तरीके से किया जाता है। राइट, सो इपॉक्सी रेजिन आर सिंथेसाइज बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, आल्सो नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मींस कि इसमें दो तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट जो है वो जरूर निकलता है। राइट, तो इस केस में जब आप बिस्फिनोल ए और एपी क्लोरोहाइड्रिन को एल्कलाइन मीडियम में मीन्स बेसिक मीडियम में जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको एक पॉलीमर मिलता है जिसको आप इपॉक्सी रेजिन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक जनरल सा स्ट्रक्चर हमने बनाया है इपॉक्सी रेजिन का, तो इस स्ट्रक्चर इस लाइन के नीचे जो स्ट्रक्चर है इसको देखिए ध्यान से। इस लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन में दोनों तरफ जो है इपॉक्साइड मॉलिक्यूल आपके लगे हुए हैं। राइट, और साथ में एन जो है यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो मॉइटी है, ब्रैकेट के अंदर की जो मॉइटी है, दिस इज द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द इपॉक्सी रेजिन्स। राइट, विच इज फॉर्म्ड बाय द कंबिनेशन ऑफ बिस्फिनोल ए एंड एपीक्लोरोहाइड्रिन। इन दोनों के कंबिनेशन से ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो बनती है। राइट, अब किस तरह से पर्टिकुलर अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इपॉक्सी रेजिन का, दोनों तरफ इसके इपॉक्साइड मॉइटी अटैच है और साथ में बीच में रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिस्फिनोल ए के कॉम्बिनेशन से बनती है। राइट, अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर अचीव कैसे होता है। तो बिस्फिनोल ए में जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, तो एक्टिव हाइड्रोजन जो है बिस्फिनोल ए का दैट रिएक्ट्स विद द ओ एच नेगेटिव ग्रुप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
OH नेगेटिव ग्रुप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, बिस्फिनोल ए का एक्टिव हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो है वहां से इलिमिनेट हो जाता है और OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू जनरेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो एक तरह से सोडियम सॉल्ट ऑफ बिस्फिनोल बनता है, राइट। दिस इज द रिएक्शन ऑन वन साइड, सिंस द एक्टिव हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अदर साइड, दूसरी जगह भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सेम रिएक्शन दूसरी साइड भी हो सकता है। ये देखिए दूसरी साइड का रिएक्शन शो किया हुआ है। अल्टीमेटली द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद बिस्फिनोल ए लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ बिस्फिनोल ए। ये देखिए एक सोडियम यहाँ पे अटैच है, एक सोडियम यहाँ पे अटैच है, डाई सोडियम सॉल्ट जो है इसका बन जाता है और दोनों ऑक्सीजन ओ एच ग्रुप जो थे पहले वो ओ नेगेटिव ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। अब द नेक्स्ट रिएक्शन इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ बिस्फिनोल ए एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस टू रिमूव क्लोराइड नेगेटिव फ्रॉम एपीक्लोरोहाइड्रिन, राइट। अब ये जो ओ नेगेटिव चार्ज आपका जब बिस्फिनोल ए के ऑक्सीजन पे आ जाता है ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें तो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कार्बन पे किसी भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है यहाँ पे निकल जाएगी। देखिए कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसमें क्लोरीन पे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है तो इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। तो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा तो क्लोराइड जो है वो आपका बाहर निकल जाता है। ये क्लोराइड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकल जाता है और सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना देता है ये सोडियम क्लोराइड, राइट। एंड द ऑक्सीजन ऑफ बिस्फिनोल ए इट फॉर्म्स बॉन्ड विद द कार्बन ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रिन। तो इस स्टेप में पहला जो है वो बॉन्ड बन जाता है, द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ बिस्फिनोल एंड कार्बन ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रिन, राइट। अब एक साइड ये रिएक्शन हो गया लेकिन दूसरा भी तो ओ नेगेटिव जो है वो आपका फ्री है तो दूसरी साइड भी सिमिलर रिएक्शन जो है वो हो सकता है। तो ये देखिए दूसरी साइड का रिएक्शन, दूसरी साइड भी आपका ऑक्सीजन जो है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट सॉरी ऑक्सीजन जो है एज एन न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और एपीक्लोरोहाइड्रिन से क्लोराइड रिमूव हो जाता है और एक डाई इपॉक्सी पॉलीमर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें दोनों साइड इपॉक्सी मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड है और बीच में आपका बिस्फिनोल लगा हुआ है, राइट। अब ये रिएक्शन एक्सक्लूसिवली ये रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में तब होता है जब एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिस्फिनोल की जो कंसंट्रेशन है वो 2:1 है। अब इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर में जो फाइनल आपका स्ट्रक्चर बना है डाइपॉक्सी पॉलीमर का, इस स्ट्रक्चर में एक बिस्फिनोल ए का मॉलिक्यूल है जो अटैच है दो एपीक्लोरोहाइड्रिन से, राइट। कि मतलब एक बिस्फिनोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको दो एपीक्लोरोहाइड्रिन की जरूरत है, राइट। अगर दो एपीक्लोरोहाइड्रोक्लिन रिएक्शन में प्रेजेंट है तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल डाइपॉक्सी पॉलीमर प्री पॉलीमर जो है यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट आप देखिए ये तो बहुत कम है, ये तो कहीं से भी एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल लग नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जनरली एपीक्लोरोहाइड्रिन की जो कंसेंट्रेशन है एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिस्फिनाइल ए कि जो रेशियो है वो रेशियो हम 2:1 से कम लेते हैं। जब एपीक्लोरोहाइड्रिन और बीपीए बिस्फिनाइल ए की रेशियो जो है वो 2:1 से कम रहेगी तो उस केस में क्या होता है दैट ऑल द ओ नेगेटिव ग्रुप्स ऑफ बिस्फिनाइल ए दे डू नॉट रिएक्ट विद एपीक्लोरोहाइड्रिन। दे मान लीजिए सपोज करिए कि हम क्या करते हैं कि एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिस्फिनाइल की ए की रेशियो जो है 1:1 की रेशियो में हम लेते हैं। अगर हम 1:1 की रेशियो में लेंगे तब क्या होगा कि एपीक्लोरोहाइड्रिन जो है वो एक ही साइड अटैक करेगा बिस्फिनाइल ए को, राइट, और दूसरी साइड जो है वो
फ्री रहेगी। अब दूसरी साइड जब फ्री रहेगी, लेकिन दूसरी साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है, इट कैन स्टिल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है तो ये स्पीशीज ढूंढता है कि कहां पे ये अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा आपके उस कार्बन के ऊपर जहां, जिस कार्बन के ऊपर इपॉक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो लगा हुआ है, राइट। अब इसमें भी एक नोट करने वाला पॉइंट है कि ये जो ऑक्सीजन है बिस्फिनाइल ए का, ये उस कार्बन पे अटैक करता है जो कि आउटर साइड पे होता है, मतलब लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। अब देखिए हम इस इपॉक्साइड मॉलिक्यूल के अगर देखें तो ये जो कार्बन है इपॉक्साइड मॉलिक्यूल का, दिस इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, जो अंदर की तरफ है, और जो बाहर की तरफ जो कार्बन है ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। इसीलिए आपका बिस्फिनाइल ए का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन ऑफ इपॉक्साइड ग्रुप उस पर ये अटैक करता है, राइट। और अगेन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन होता है, और ये जो इपॉक्साइड का जो सी 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 ओ बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, मीन जो इपॉक्साइड मॉलिक्यूल है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज कर देता है आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम द ऑक्सीजन ऑफ बिस्फिनाइल ए। देखिए इस रिएक्शन में जब आपके बिस्फिनाइल ए के ऑक्सीजन ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, तो इस जो इपॉक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसका एक बॉन्ड टूट जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ओ नेगेटिव, एंड अ न्यू बॉन्ड बिटवीन बिस्फिनाइल ए एंड इपॉक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्मड। पर इस बार जो अटैक है वो क्लोरीन के ऊपर नहीं है, इस बार आपका अटैक है इपॉक्साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर, इपॉक्साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर, क्लियर। और ये जो आयनिक स्पीशीज है इट इजीली गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रलाइज्ड स्पीशीज, ये जो नेगेटिव चार्ज है आपके ऑक्सीजन के ऊपर ये बहुत ही इजीली जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है बाय रिएक्शन विद वाटर। वाटर से ये H पॉजिटिव निकाल लेता है और OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इनिशियली यूज हुआ था इस रिएक्शन में वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये एक तरह से आप देखिए कि चेन ग्रोथ जो है, इस स्टेप को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, राइट। अब हम मैंने कहा कि ये रिएक्शन तब होता है जब द रेशियो ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड बिस्फिनाइल ए इज लेस देन 2:1, 2:1 की रेशियो से कम होगा तो आपके कई बिस्फिनाइल ए के जो ओ नेगेटिव ग्रुप है वो फ्री रहेंगे, राइट। जब ओ नेगेटिव ग्रुप फ्री रहेंगे तो ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है वो चलती रहेगी। तो देखिए यहां पे हमारे पास दो बिस्फिनाइल ए के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। अगर अगर इस तरह का एक और स्पीशीज हमारे रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है तो इस इपॉक्साइड पे भी वो अटैक कर सकता है, इस इपॉक्साइड पे भी अटैक कर सकता है। तो इस तरह से ये जो चेन है वो लंबी होती रहती है, और ये जो ब्रैकेट में लगा रहा हूं इस ब्रैकेट के अंदर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है ये रिपीट होती रहती है। तो इस स्ट्रक्चरल यूनिट को अगर हम सिंपल अगर डॉट से शो कर रहे हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड होते होते एक लंबी पॉलीमेरिक चेन जो है वो बना देता है, राइट। तो मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा दैट द, ये देखिए यहां पे मैंने लिखा भी है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्री पॉलीमर इज कंट्रोल्ड बाय एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड बिस्फिनाइल ए रेशियो। एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिस्फिनाइल ए की रेशियो जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतने लो मॉलिकुलर वेट का कंपाउंड होगा, और जितनी कम इनकी रेशियो होगी उतने हाई मॉलिकुलर वेट का कंपाउंड हमें जो है वो अचीव जो है वो होता है, राइट। एंड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है इस रिएक्शन में, अगर हम रेशियो जो है वो बहुत ही कम रेशियो रखते हैं एपी क्लोरोहाइड्रिन और बीपीए की, तो आपकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो 2 से लेके 25 तक वेरी कर सकती है, मतलब बहुत लंबा पॉलीमर जो है। मींस ये जो मैंने सर्कल्स ब्लैक सर्कल्स में मैंने शो किया है, ये मैंने बिस्फिनाइल ए और एपीक्लोरोहाइड्रिन के जो रिपीटिंग यूनिट है उसको मैंने शो किया है, तो इस तरह से 25 मॉलिक्यूल जो है वो इससे अटैच हो सकते हैं, राइट। अल्टीमेटली कि जब आप अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं बिस्फिनाइल ए और एपीक्लोरोहाइड्रिन को आप लो रेशो में, मींस एपीक्लोरोहाइड्रिन और बीपीए की रेशो जो है वो कम रहेगी, उस रेशो में आप अगर एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो एक वेराइटी ऑफ प्री पॉलीमर्स आपको रिएक्शन मीडियम में मिलते हैं जिनकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो 2 से लेकर
के 25 तक जो है इनकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो वेरी कर सकती है, राइट। सो दिस इज द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डाई इपॉक्सी प्री पॉलीमर। इस टाइम आपको डाई इपॉक्सी प्री पॉलीमर जो है वो मिल चुका है, राइट। लेकिन ये जो है क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर है, ये अभी तक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नहीं है। अगला स्टेप जो है मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस में आपके इपॉक्सी पॉलीमर का, दैट इज द क्यूरिंग ऑफ द इपॉक्सी रेजिन, राइट। अब इस स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस टाइम हम इस स्टेज पे हैं। ये देखिए, ये जो मैंने सर्कल किया है कि डाई इपॉक्सी पॉलीमर जो है वो आपको मिल चुका है, लेकिन ये जो डाई इपॉक्सी पॉलीमर है ये आपस में क्रॉस लिंक्ड नहीं है। अब हमको क्रॉस लिंकिंग करनी है इनकी इन ऑर्डर टू फॉर्म ए थ्री डायमेंशनल पॉलीमेरिक नेटवर्क। थी तो इस स्टेज में हम यहां पहुंच चुके हैं। इस स्टेज में हमारे पास, ये देखिए कि इस स्टेज में हमारे पास लंबी पॉलीमेरिक चेन जो है वो अचीव हो चुकी है ये, लेकिन ये पॉलीमेरिक चेन जो है आपस में क्रॉस लिंक नहीं है, और ये क्रॉस लिंक की जाएंगी बाय दीज डाई इपॉक्सी ग्रुप। ये जो डाई इपॉक्सी ग्रुप इनके साइड में लगे हुए हैं, ये इपॉक्सी ग्रुप इनको क्रॉस लिंक करने में हेल्प करता है। जो क्रॉस लिंकिंग की प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्योरिंग। क्योरिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक नेटवर्क। द प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ इपॉक्सी ग्रुप। मैंने पहले ही कहा कि इपॉक्सी ग्रुप जो साइड में बचे हैं, द इपॉक्सी ग्रुप ऑफ द डाई इपॉक्सी पॉलीमर, दे रिएक्ट विद डिफरेंट क्यूरिंग एजेंट्स। क्यूरिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिनको जिनमें आपके एरोमेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स हो सकते हैं, फिनोल्स, थायोल, पोलियामाइड्स, एनहाइड्राइड, थायोल्स, इस तरह के अलग अलग ग्रुप जो हैं वो एज अ क्यूरिंग एजेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली to formation of a rigid thermosetting product which is a three dimensional cross-linked polymer, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है। ये देखिए ब्लू में जो हमने शो किए हैं ये क्रॉस लिंक्स हैं, राइट, और लंबी जो आपकी पॉलीमेरिक चेन्स है ये आपके इपॉक्सी ग्रुप है। तो डाई अमीन जो है आपके, जनरली जो डाई अमीन है वो एज अ क्यूरिंग एजेंट इनको यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, डाई इथाइलीन ट्राई अमीन और ट्राई इथाइलीन टेट्रा अमीन, ये जो है एज अ क्यूरिंग एजेंट यूज होते हैं। इनके साइड में ये जो NH2 ग्रुप लगते हैं, ये बहुत ही रिएक्टिव ग्रुप हैं, ये एक तरह से क्रॉस लिंकिंग को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप देखिए पर्टिकुलर मैकेनिज्म इनका देखते हैं कि किस तरह से क्रॉस लिंकिंग करते हैं। तो क्योरिंग एजेंट्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योरिंग एजेंट्स में जनरली जो हम क्योरिंग एजेंट यूज करते हैं उनमें दोनों तरफ जो है वो NH2 ग्रुप्स लगे होते हैं। ये देखिए NH2 ग्रुप एक इस तरफ लगा है, दूसरा NH2 ग्रुप जो है वो इस तरफ लगा है, राइट। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ इपॉक्सी रेजिन कर रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि इपॉक्सी ग्रुप के आसपास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल इस इपॉक्सी ग्रुप के कार्बन को बड़ी इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि हल्का सा ये स्ट्रेंड होता है। पिछली स्लाइड में हमने नोट किया हुआ किया था कि बिस्फिनाइल ए का ओ नेगेटिव जो है, वो नेगेटिव बिस्फिनाइल ए का वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा था, लेकिन जब आप क्यूरिंग एजेंट डालते हैं तो क्यूरिंग एजेंट में नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर बाहर वाले कार्बन पे जो है वो अटैक कर देते हैं। जब ये बाहर वाले कार्बन पे अटैक करते हैं लोन पेयर, राइट, तो इस कार्बन के साथ जो आपका ऑक्सीजन ग्रुप लगा होता है उस वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, राइट। अल्टीमेटली इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ आयनिक स्ट्रक्चर, एक आयनिक स्ट्रक्चर बनता है। आयनिक स्ट्रक्चर देखिए, आयनिक स्ट्रक्चर की जनरेशन इसलिए हुई क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को दिए। ये वे एरो देखिए, नाइट्रोजन ने जब आप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन एडिशनल आ गए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और अगला स्टेप कब भी होता है, जब भी एक ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट जब भी होती है तो ये जो चार्ज मॉलिक्यूल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट होना है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है, ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है आपके नाइट्रोजन से, राइट। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर जो है वो वापस मिल जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है जो नेगेटिव चार्ज है वो एच पॉजिटिव से खत्म हो जाता है टू अचीव अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन गया, राइट। ओवरऑल हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में देखिए ये हुआ है कि ये आपका क्रॉस लिंकिंग एजेंट है,
और ये आपका क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर है। क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर और क्रॉस लिंकिंग एजेंट में जब रिएक्शन हुआ तो इस क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर का इपॉक्साइड ग्रुप जो है वो अटैच हो गया नाइट्रोजन के साथ, राइट। और आपके क्योरिंग एजेंट का एक हाइड्रोजन जो है वो लूज हो गया, ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इस क्योरिंग एजेंट के एक इस हाइड्रोजन की जगह पे, ये देखिए ये मैं मार्क कर रहा हूं येलो कलर से, इस हाइड्रोजन की जगह पे प्री पॉलीमर आके अटैच हो गया, राइट। और अगर हम ध्यान से देखें इस क्योरिंग एजेंट को, तो इस क्योरिंग एजेंट के ऊपर चार हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए हैं, और हर हाइड्रोजन की जगह पे आपका एक प्री पॉलीमर जो है वो अटैच हो सकता है। तो इस तरह से विद वन मॉलिक्यूल ऑफ क्योरिंग एजेंट आप चार जो लंबी पॉलीमेरिक चेन्स हैं उनको अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं कि क्योरिंग एजेंट में पहले एक पॉलीमेरिक चेन को अटैच किया, जो हमने पिछली बार देखा उसका मैकेनिज्म हमने स्टडी किया है, उसी मैकेनिज्म से दूसरी पॉलीमेरिक चेन जो है वो यहां पे अटैच होगी, उसी मैकेनिज्म से यहां पे चार पॉलीमेरिक चेन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये देखिए चार पॉलीमेरिक चेन्स जो हैं ये अटैच हो गई हैं एक क्योरिंग एजेंट के साथ। उसी तरह से जब व्हेन यू ऐड अ लॉट ऑफ क्योरिंग एजेंट, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आप क्योरिंग एजेंट के डालते हो किसी भी रिएक्शन मीडियम में, तो एक इमेंस जो है थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग जो है वो हो जाती है। ये देखिए वन क्योरिंग, एक क्योरिंग एजेंट का मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ये पांचवा मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के साथ आपस में आप ये देखिए, ये पॉलीमेरिक चेन, वन पॉलीमेरिक चेन इज दिस, दूसरी पॉलीमेरिक चेन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से बहुत ज्यादा पॉलीमेरिक चेन जो हैं क्योरिंग एजेंट के साथ चारों तरफ से अटैच हो गई हैं, और ये सभी आपस में एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, राइट। तो प्री पॉलीमर जो हमने बनाया था, डाई इपॉक्सी का जो हमने प्री पॉलीमर बनाया था, उसके साइड में जो इपॉक्सी मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, दे हेल्प इन क्योरिंग ऑफ द इपॉक्सी रेजिन्स टू फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल पॉलीमेरिक क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क, राइट। तो अल्टीमेटली ये स्टेज जो है ये देखिए हमने अचीव कर ली है कि हमने एक अनक्रॉस लिंक्ड, राइट, डाई इपॉक्सी प्री पॉलीमर से एक क्रॉस लिंक्ड इपॉक्सी प्री पॉलीमर हमें अचीव हो गया बाय अ रिएक्शन नोन एज क्योरिंग, जिन उसमें हमने क्योरिंग एजेंट्स को भी ऐड किया था। तो अलग अलग क्योरिंग एजेंट्स मैंने आपको बताया कि अमीन के डाई अमीन्स जो है, चाहे वो साइक्लिक डायमीन्स हो या आपके नॉन साइक्लिक डायमीन्स हो, उनको हम एज अ क्यूरिंग एजेंट, ये देखिए ये सारे एरोमेटिक डायमीन्स है, एनहाइड्राइड्स को भी हम एज अ क्यूरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ये इन सब क्यूरिंग एजेंट्स के नाम जो है वो आप नोट कर सकते हैं। उसी तरह से क्योरिंग एजेंट्स को आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। अभी तक जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा उस मैकेनिज्म में हमने ये स्टडी किया कि हमने डाई इपॉक्सी पॉलीमर जो है वो प्री पॉलीमर जो है वो बनाए थे, लेकिन डाई इपॉक्सी ही नहीं, हम ट्राई इपॉक्सी और टेट्रा इपॉक्सी प्री पॉलीमर्स भी बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फिनोलिक ग्रुप्स, राइट। जरूरी नहीं कि आपने बिस्फिनोल ए यूज करना है, आप अलग तरह के एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट, टू फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे एक इपॉक्सी ग्रुप इससे अटैच है, दूसरा और तीसरा इपॉक्सी ग्रुप इससे अटैच है, तो ये ट्राई इपॉक्सी प्री पॉलीमर है। इसको आप फर्दर क्रॉस लिंक कर सकते हैं, यहां पे देखिए 1 2 3 4, ये टेट्रा इपॉक्सी प्री पॉलीमर है, इसको भी फर्दर आप क्रॉस लिंक जो है वो कर सकते हैं। तो इपॉक्सी रेजेंस की यही खासियत है कि हम अलग अलग वैरायटी को इपॉक्सी रेजेंस जो है वो बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मोनोमर्स, राइट। तो जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि इपॉक्सी रेजेंस जो है वो एक क्लास है, राइट, कोई एक पर्टिकुलर रेजिन नहीं है, जैसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की तरह एक पर्टिकुलर रेजिन नहीं है, इपॉक्सी रेजिन एक क्लास है जिसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, और हर ग्रुप जो है
इपॉक्सी रेजिन का, वो इसको एक अलग अलग प्रॉपर्टी जो है वो देता है। जैसे बिस्फिनाइल ए की अगर हम बात करें तो ये टफनेस, रिजिडिटी, हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस जो है आपके इपॉक्सी रेजिन को देता है। ईथर लिंकेज जो बनता है आपका, ईथर लिंकेज जो है केमिकल रेजिस्टेंस देता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बनता है वो एडहेसिवनेस इसको देता है। तो हर ग्रुप जो इपॉक्सी रेजिन में है इसको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंपार्ट करता है। इपॉक्सी रेजिन जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल पॉलीमर्स है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है बिस्फिनाइल ए को चेंज कर सकते हैं अलग ग्रुप्स के साथ, एपिक्लोरोहाइड्रिन की जगह भी आप अलग मोनोमर यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही वर्सेटाइल इसका नेचर है। अलग अलग तरह के पॉलीमर्स आप बना सकते हैं बाय चूजिंग डिफरेंट मोनोमर्स। क्यूरिंग एजेंट आप अलग अलग तरह के यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड फिलर्स आप अलग अलग तरह के यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। और एक और जो इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनको बड़ी इजिली आप क्योर कर सकते हैं विद द वेरिएशन ऑफ द क्योरिंग एजेंट। इनकी वाइड टेम्परेचर रेंज है, देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक आप इनको क्योर कर सकते हैं। क्योरिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक नेटवर्क फ्रॉम अ नॉन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक नेटवर्क। तीसरी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनकी श्रिंकेज जो है वो बहुत कम होती है। फिनोलिक रेजिन्स की और एक्राइलिक या पॉलिएस्टर रेजिन्स की क्योरिंग की प्रोसेस के दौरान जो है उनकी श्रिंकेज जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन इपॉक्सी रेजिन जो है वो श्रिंक नहीं करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो है इनकी एडेसिवनेस प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ईथर ग्रुप। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत बढ़िया होती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। आपने देखा होगा जो हमने जब क्रॉस लिंकिंग जिस स्लाइड में की थी, तो क्रॉस लिंकिंग जो है इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी होती है, केमिकल्स के रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ईथर ग्रुप जो है इसको केमिकल रेजिस्टेंट बनाता है, राइट। और बहुत लंबे टाइम तक अगर इसके ऊपर स्ट्रेस रहे तब भी अपनी शेप जो है वो बहुत अच्छे से ये मेंटेन करता है। लो कॉस्ट इसकी है और टॉक्सिसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक के बाद अगले आते हैं कि एप्लीकेशन। जब इतने बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इपॉक्सी रेजिन्स की, तो प्रॉपर्टीज में एप्लीकेशन भी इसकी बहुत ज्यादा है, राइट। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो है इपॉक्सी की वो है एज अ कोटिंग इनको यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको कहा इनकी हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है, क्रीप जो स्टेबिलिटी, मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनको अलग अलग कोटिंग्स में यूज़ किया जाता है, अप्लायंसेस में, पाइप कोटिंग्स में, इवन इनको एंटी कोरोजन और एंटी फोलिंग एज अ कोटिंग भी यूटिलाइज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में इपॉक्सी रेजिन्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इनको एज एन एडहेसिव में इनको यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक्स में, पेंट में, फिर से कोटिंग्स में और फ्लोरिंग में भी इपॉक्सी रेजिन का यूटिलाइज जो है वो किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग में इनको यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज कंपोजिट इंसुलेटर में इनको यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक में कि इनके इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इनकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। एयरक्राफ्ट में एज एन एडेसिव इपॉक्सी रेजिन को यूटिलाइज किया जाता है, और डेकोरेटिव फ्लोर एप्लीकेशन, वो तो कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन का ही एक पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे एक फ्लोर मैंने शो किया है कि डेकोरेटिव फ्लोर भी इपॉक्सी रेजिन से वो बनाई जाती है। इसके अलावा डेंटल और सर्जिकल एप्लीकेशंस में भी इपॉक्सी रेजिन को यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा इपॉक्सी रेजिन्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइटवेट पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, रेल्स, बाइसिकल फ्रेम्स, गोल्फ क्लब्स, आपका स्नोबोर्ड्स, रेसिंग कार्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप बहुत डिजाइन वाले लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जिनका वेट कम है लेकिन हार्डनेस जो है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, वो सब इपॉक्सी रेजिन्स के बने होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स। थैंक यू सो मच।